नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वायरल टॉपिक में। दोस्तों, यहां पर एमपी बोर्ड क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक सभी स्टूडेंट का यही सवाल है कि क्या एमपी बोर्ड का यहां पर सिलेबस है, जो एमपी बोर्ड का कोर्स है यहां पर कम किया गया है या फिर नहीं किया गया, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो CBSE है उसने यहाँ पर सभी क्लासेस का लगभग दोस्तों यहाँ पर 30% जो अपना सिलेबस है यहाँ पर कम कर दिया। लेकिन अभी मैं आपको दोस्तों यहाँ पर जानकारी दे दूँ कि एमपी बोर्ड ने इस तरीके का दोस्तों अभी कोई भी यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि आपका कितना यहाँ पर सिलेबस कम किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट है, स्पेशली हम लोग बात करें 9 से लेकर 12 क्लास तक, अभी दोस्तों यहाँ पे आपका जो सिलेबस है उसको कम नहीं किया गया है, लेकिन एमपी बोर्ड जल्द इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी करेगा कि आपको यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिसको यहाँ पे कम किया जा रहा है। हालांकि आप सभी को पता है कि इस बार जो आपका सिलेबस है वो कम तो किया जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग बात करें दोस्तों एमपी बोर्ड 10th क्लास की और 12th क्लास की, तो अभी आपका जुलाई का मंथ चल रहा है और लगभग दोस्तों आपके 7 महीने बाद आपके बोर्ड एग्जाम्स यहाँ पे शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों अगस्त सितंबर, फिर आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फिर फरवरी, यानी कि लगभग 7 महीने हैं। उसके बाद यानी कि मार्च में आपके 10th क्लास के और 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट का यहाँ पर सवाल है कि 10th क्लास का और 12th क्लास का यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर को कम किया गया है। तो दोस्तों जैसे इससे रिलेटेड किसी प्रकार की कोई ऑफिशियल अपडेट आती है आपको हमारे चैनल के माध्यम से उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जो नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है उस पर आप प्रेस कर दीजिए, साथ में बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि दोस्तों एमपी बोर्ड से जुड़ी सभी अपडेट हम अपने चैनल पर अपडेट करते हैं, तो आपको सभी प्रकार की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे सीबीएसई ने तो फाइनल डिक्लेयर कर दिया कि उनका यहाँ पे 30% सिलेबस यहाँ पे कम कर दिया गया, तो अभी फिलहाल एमपी बोर्ड ने नहीं किया है। तो अगर आपको ऐसी कोई न्यूज मिल रही हो जिसमें बताया गया कि आपका 25% कम हो गया, 30% कम हो गया, तो दोस्तों ये न्यूज आपकी फेक है। आप चाहें तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है। यहाँ पे मैं आपको एक नंबर दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिएगा दोस्तों, ये लिखा हुआ है टोल फ्री नंबर 1800-233-0175। दोस्तों आपको एमपी बोर्ड से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, आपको सही जानकारी एमपी बोर्ड द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों आप चाहें तो इस नंबर पे भी फ़ोन ला के पूछ सकते हैं कि अभी आपका सिलेबस यहाँ पे कम नहीं किया गया, लेकिन उसको कम करने की यहाँ पे प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द इसके बारे में नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको किसी भी प्रकार को कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।